नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है बिहार से। बिहार के सीतामढ़ी इलाके की ये कहानी है। यहाँ एक शादीशुदा महिला ने अपनी समस्या का ऐसा समाधान निकाला जिससे पूरा इलाका हिल गया है। यहाँ एक शादीशुदा महिला को एक लड़का परेशान कर रहा था। वह हमेशा घर से बाहर बैठकर उसे छेड़ता रहा। जब महिला उस लड़के से बुरी तरीके से तंग आ गई तो उसने एक दिन लड़के को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। जिस तरह से महिला ने लड़के को बुलाया, उसने समझा कि उसका जादू काम कर गया है और वह जाल में फंस गया और महिला द्वारा बताई गई जगह पर उससे मिलने चला गया। महिला ने उसे ये भी पता नहीं चलने दिया कि उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है कि वह इस समय के बाद कहीं का नहीं बचेगा। सीतामढ़ी के अंदर एक गांव है बड़हरवा। यहां 30 साल की शादीशुदा महिला अपने परिवार के साथ रहती थी और अक्सर उसे अपने घरेलू काम के सिलसिले में एक बाज़ार से दूसरे गांव जाना पड़ता था। गांव का ही एक मनचला अक्सर उसे रोकता था। महिला लड़कों को नज़रअंदाज करके अपने रास्ते चली जाती थी, लेकिन महिला की चुप्पी से लड़का उसे जीत समझने लगता था। धीरे धीरे लड़के की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह महिला के घर के आसपास आ गया और न सिर्फ उससे छेड़छाड़ की बल्कि अश्लील हरकत भी करने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़के ने हद पार करते हुए अंधेरे या सुनसान इलाके में महिला को छूना शुरू कर दिया। जब महिला उस लड़के से तंग आ गई तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। एक दिन उसने लड़के को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा कि वह उससे अकेले में एक सुनसान जगह पर मिलना चाहती है। वहीं लड़का यह समझ बैठा कि महिला उसकी बातों में आ गई है और अब वह जो चाहे करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसलिए वह तय समय पर महिला द्वारा बताई गई जगह पर पहुँच गया। महिला ने उसे लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके पूरे कपड़े उतरवा लिए। लेकिन इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, महिला ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। महिला ब्लेड लेकर पहुंची थी। जैसे ही लड़का कपड़े उतारकर उसके पास आया, महिला ने सीधे ब्लेड चला दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काटकर अपने हाथ में पकड़ लिया। दोस्तों, खून से सना प्राइवेट पार्ट और तेज़ी से बहता खून देकर लड़का बचने के लिए गांव की ओर दौड़ने लगा। कुछ लोगों ने लड़के को घायल हालत में देखा तो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। इलाके के एसपी मनोज कुमार तिवारी के मुताबिक ये मामला ग्रामीणों की वजह से उनके संज्ञान में आया है। जाँच करके आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। डुमरा पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने तक लड़के की पहचान गुप्त रखी गई है। पुलिस ने बताया है कि घायल लड़के को शहर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद ही हालत में सुधार होने की आशंका है। तो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, मनचले आशिक की छेड़छाड़ से परेशान शादीशुदा महिला ने ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। फिलहाल दोस्तों, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आप अपने राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।